कोरोना वायरस को गंभीरता से लेकर राज्य सरकार ने राशन की दुकानों को एमरजेंसी सेवाओं में रखकर जनता को राहत पहुंचाने का फैसला लिया और कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट चिपकाने के भी निर्देश दिए। लेकिन रायसिंह नगर में दुकानदारों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एवन टीवी ने इस मामले को उठाया और जिसके बाद उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार सहित प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू किया। एसडीएम ने मुख्य बाजार का दौरा किया और सभी दुकानदारों को पाबंद करते हुए रेट लिस्ट चिपकाने के सख्त निर्देश दिए और साथ ही कार्रवाई की भी हिदायत दी। वहीं क्षेत्र के लोगों को कालाबाजारी से राहत मिलने पर उन्होंने एवन टीवी और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस को लेकर के जहां राज्य सरकार ने अपनी प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए राशन की दुकानों को इमरजेंसी सेवाओं में लेते हुए अपनी प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए, वहीं पर ही सरकार ने आदेश जारी किए कि सभी राशन की दुकानों को रेट लिस्ट अपनी काउंटर पर चिपकाने होंगे। लेकिन क्षेत्र में भी इसकी राशन की दुकानदारों ने जमकर धज्जियां उड़ाई। इसकी खबर जब लोगों के माध्यम से एवन टीवी को अवगत करवाया गया तो एवन टीवी ने इस कालाबाजारी का खुलासा बड़ी ही प्रमुखता से किया गया। तब इसका समाचार जब प्रशासन तक लगा तो रायसनगर क्षेत्र के उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार सहित प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सभी राशन दुकानदारों को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया और यह कड़े निर्देश दिए कि अगर भविष्य में अगर किसी भी राशन दुकानदार के द्वारा अगर कालाबाजारी की जाती है तो तुरंत प्रभाव से उसका लाइसेंस निरस्त कर और FIR दर्ज कर प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर के एवन टीवी ने भी इस समाचार को प्रमुखता से दिखाया और एवन टीवी भी यह अपील करता है कि अगर शहर में क्षेत्र में कहीं पर भी कालाबाजारी से संबंधित कोई आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की जाती है तो कृपया एवन टीवी को अवगत करवाएं। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं विकी भंडोरिया, एवन टीवी, रायसिंह नगर।